जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको बीएड सेकंड ईयर के अंदर असेसमेंट फॉर लर्निंग वाले सब्जेक्ट के अंदर लास्ट यूनिट करवा रहा हूँ। हमारी लास्ट यूनिट है स्टैटिक्स की, उसके अंदर मैं आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करवा रहा हूँ। मीन मैं आपको पूरा करवा चुका हूँ। मीडियन के अंदर भी मैं आपको इंडिविजिबल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज करवा चुका हूँ। आज मैं आपको कंटिन्यूस सीरीज करा रहा हूँ। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मीडियन के अंदर कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, इसके अंदर टोटल 5 स्टेप है। पांचों स्टेप के बारे में बता देता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 है, आपको क्या है, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इसके बारे में मैंने आपको इससे ठीक पहले वाली वीडियो के अंदर काफी डिटेल में बताया है। स्टेप 2 के अंदर क्या है, आपको जो फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, आपको क्या करना है, उसी फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेना है, मतलब सिग्मा एफ कर लेना है। देखिए, ये लोग क्या है, सिग्मा एफ को एन भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, सिग्मा एफ और एन एक ही बात है। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंडिंग आउट साइज ऑफ एन बाय टू आइटम। देखिए, जो आपका सिग्मा एफ आएगा ना, उसको 2 से डिवाइड कर देना। उसके बाद एक डिजिट निकल के आएगी, आपको क्या करना है, उस डिजिट को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर देखना है। या तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उस डिजिट के बराबर होनी चाहिए, या क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, उस डिजिट से बड़ी होनी चाहिए। वहीं पर ही क्या है, आपको पूरे को अंडरलाइन कर देना है। उसके अपोजिट साइड जोन सी क्लास इंटरवल आएगी, उसी को क्या है, ये मीडियन क्लास बोलते हैं। स्टेप नंबर 5 देख लेते हैं, आपको क्या है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस हो, ये पूरा ब्रैकेट है, N/2 - CF / F(H). इसमें L1 है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। देखिए, ये मीडियन क्लास का ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एफ का मतलब, यहां गलती से आप सिग्मा एफ मत कर देना, ठीक है। सी एफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एन का मतलब है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, मतलब सिग्मा एफ, और एच का मतलब है क्लास इंटरवल के बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगी। क्वेश्चन, कंप्यूट मीडियन फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 12, 18, 27, 20, 17, 6। मार्क्स को मैंने क्लास इंटरवल मान लिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी, और क्लास इंटरवल मैंने लिख भी ली 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और फ्रीक्वेंसी भी लिख ली 12, 18, 27, 20, 17, 6। मैंने क्या करा, साथ साथ कैलकुलेटर का यूज करा और सिग्मा एफ निकाल ली साथ साथ। सिग्मा एफ को क्या है, हम एन भी बोलते हैं, वो आ गई मेरी 100, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करा, आप देख सकते हैं रेड स्केच पेन से लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। मैंने सी एफ निकाल ली, सी एफ निकालने का मैंने काफी अच्छा तरीका आपको बताया था। आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चलना है। जैसे पहली फ्रीक्वेंसी थी 12, तो पहली सी एफ भी क्या हो जाएगी मेरी 12। अब जब मैं नेक्स्ट सी एफ निकालूंगा, तो मेरे को क्या है, अपनी पहले वाली सी एफ के अंदर नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा। मतलब 12 + 18 करूंगा तो क्या आएगा, 30। ये क्या आ गई मेरी सेकेंड सी एफ। अब जब मैं थर्ड सी एफ निकालूंगा, तो मेरे को थर्ड सी एफ निकालने के लिए सेकेंड नंबर वाली सी एफ चाहिएगी और थर्ड नंबर वाली फ्रीक्वेंसी चाहिएगी। जैसे कि 30 + 27 करूंगा तो क्या आएगा, 57। ऐसे ही क्या है, अगर मेरे को फोर्थ वाली सी एफ निकालनी है, तो उसके लिए क्या है, मेरे को पहले थर्ड वाली सी एफ चाहिएगी और फोर्थ वाली फ्रीक्वेंसी चाहिएगी। जैसे कि 57 + 20 करा तो क्या आया, 77। ऐसे ही क्या है, मैंने अदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, जैसे कि आ गई 94 और 100। अब मैंने आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो एंड में नंबर आते हैं या डिजिट आती है, वो और हमारी जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है, वो हमेशा सेम आना चाहिए। और आप देख रहे हैं, हमारा सेम भी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में क्या है, 100,
और हमारा सिग्मा एफ भी क्या आया 100, दोनों सेम है, इसका मतलब हम क्वेश्चन सही करते हुए जा रहे हैं। अब आप इधर आ जाइए राइट हैंड साइड पे, मैंने लिखा है मीडियन क्लास इज इक्वल टू साइज ऑफ एन बाय टू आइटम। देखिए आपको हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, एन बाय टू वाला, ठीक है। अब एन की जगह क्या है, हम जो हमने एन निकाला है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एन क्या आया हमारा 100, हमने 100/2 करा तो आया 50। जो ये 50 आया है ना, इस 50 को हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर ढूंढना है, या तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर 50 मिल जाए, या हमें क्या है 50 से बड़ा मिल जाए। तो हम ढूंढने लगे, हमें 50 तो मिला नहीं, लेकिन 50 से बड़ा मिल गया 57। तो हमने क्या है उस 57 वाली पूरी लाइन को क्या है ये अंडरलाइन कर लिया, मतलब बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब हमने देखा इसके अपोजिट साइड में क्लास इंटरवल दी गई है, क्या है वो क्लास इंटरवल 20 से 30, यही क्या है हमारी मीडियन क्लास बन जाएगी। और प्लस जब हमने ये बॉक्स बनाया तो साथ साथ में एक फ्रीक्वेंसी भी निकल के आई, वो फ्रीक्वेंसी क्या थी 27, यही क्या है हमारा एफ है, एफ क्या बन गया यहाँ पर 27। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, मतलब सी एफ। देखिए अब हम इसके अंदर जो सी एफ लेंगे ना, वो लेंगे जो बॉक्स हमने बनाया है उसके जस्ट ऊपर वाली सी एफ, वो क्या है 30। देखिए इसका यूज आगे क्या होगा वो करके दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला देखिए आप, पहले मीडियन इज इक्वल टू एल वन प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपोन में एफ इंटू एच। तो हमने एल वन तो मीडियन क्लास से निकाल लिया, क्या आया हमारा 20, वो मैंने वैल्यू पुट कर दी 20 ऐसे की ऐसे। प्लस एन बाई टू, एन बाई टू में एन क्या है 100, वो मैंने पुट कर लिया एन की जगह 100 अपोन में 2 माइनस। जो ये सी एफ है ना, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमेशा आपको वो लेनी है जो आपने ये बॉक्स बनाया है ना इसके ठीक ऊपर वाली, जैसे कि 57 के ऊपर क्या है 30, तो हमेशा ही क्या है आपको ऊपर वाली लेनी है, इस बात का ध्यान रखना। यहां पर मैंने पुट कर लिया अपोन में एफ, एफ क्या है 27। देखिए मीडियन क्लास वाली लाइन के अंदर देखिए 27 फ्रीक्वेंसी क्या है 27, हमेशा ये लिखनी है। यहां पर बच्चे गलती क्या करते हैं, ये सिग्मा एफ पुट कर देते हैं, क्योंकि मीन वाली आदत उनको रहती है, तो वो क्या करते हैं यहां पर सिग्मा एफ लिख देते हैं। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, हमें क्या है मीडियन क्लास वाली ही फ्रिक्वेंसी लिखनी है। जैसे कि यहां पर 27 है तो हमने 27 लिख दी इंटू एच, एच क्या है हमारा 10। मीडियन क्लास जो हमारी 20 से 30 है उसके बीच में डिफरेंस कितने का है 10 का, वो हमने लिख दिया। अब यहां पर हमने नॉर्मल कैलकुलेशन करी है, और मैं ये मान के चल रहा हूं आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, 20 ऐसे की ऐसी रहने दिया, प्लस 100/2 करा तो आया 50, 50 माइनस 30/27 इंटू 10, फिर 20 प्लस 50 में से 30 गए तो 20, 20/27 इंटू 10, 20 प्लस मैंने 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर आ गया 200/27। तो मैंने क्या करा 20 प्लस 200/27 में क्या करा, कैलकुलेटर का यूज करा तो ये आ गया 7.4। तो 20 प्लस 7.4 करा तो मीडियन आ गया हमारा 27.4। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको मीडियन जरूर समझ आया होगा, देखिए नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना, आपको समझ आ जाएगा। देखिए मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हमें ना आपकी वीडियो में लिखा हुआ धुंधला धुंधला नज़र आता है, हमें क्या है जो लिखा हुआ है ना वो ढंग से नज़र नहीं आता। तो मैं उन सभी बच्चों से एक बात बोलना चाहता हूँ, देखिए अगर आप मेरी वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर देख रहे हैं तो प्लीज़ लैंडस्केप मोड में वीडियो को देखिए और लीड लगा के वीडियो को देखिए। प्लस अगर आप अपने लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो स्क्रीन को बड़ा करके देखिए, अगर आप एलईडी टीवी में देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो साफ ही नज़र आएगा। फिर भी कह रहे हैं सर नहीं हमें तो ये सब करने के बाद भी धुंधला ही नज़र आ रहा है, तो यही कहूँगा सुने करो मैं क्या कह रहा हूँ, और जो लिखा हुआ है ना उसे फील करा करो, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्यूट मीडियन फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा। मार्क्स हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। अब ये 90 से 100 जो लिखा हुआ हो सकता है बहुत सारे बच्चों को धुंधला नजर आ रहा हो, लेकिन मैंने बोल दिया ना तो आप फील कर ले करो हाँ है या 90 से 100 है, बोल भी तो रहा हूं मैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए 0, 4, 12, 14, 16, 20, 16, 10। अब ये हो सकता है नीचे जो लास्ट में 8 लिखा बहुत सारे बच्चों को नहीं नजर आ रहा हो, तो मैं बोल रहा हूँ 8, तो इसका मतलब है 8, और बेशक धुंधला नजर आ रहा हो
आपको फील तो हो ही रहा होगा, हाँ यहां पर 8 ही है। ठीक है जी, फील करना सीखो चीजों को, जिंदगी सवर जाएगी जिस दिन फील करना सीख लोगे। ठीक है जी, यहां पर मैंने क्लास इंटरवल लिख ली, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। फ्रीक्वेंसी मैंने ऐसे ही उतार ली, 0, 4, 12, 14, 16, 20, 16, 10, 8, और सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया। कैलकुलेटर का मैंने यहां पर यूज करा है, सिग्मा एफ आ गया हमारा 100, आप ऐसे भी कह सकते हैं हमारा एन आ गया 100। अब मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, जो ये मैंने रेड स्केच पेन से लिखी हुई है, आ गई ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, अब तो आ गई होगी ना जी आपको, तो मैं डायरेक्ट रीड कर देता हूं, 0, 4, 16, 30, 46, 66, 82, 92, 100। अब हमने मीडियन क्लास निकाल ली, अब आप राइट हैंड साइड देखिए जी, रेड स्केच पेन से लिखी है सबसे ऊपर लाइन, मीडियन क्लास इज इक्वल टू साइज ऑफ एन बाई टू आइटम, हमने एन की जगह 100 पुट कर दिया, 100 बटे 2 करा तो आ गया 50, साइज ऑफ 50वीं आइटम। अब हम क्या है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर देखेंगे, जो ये रेड स्केच पेन से सी एफ निकाली हुई है इसके अंदर देखेंगे 50 है कहीं पर, हमने देखा 50 तो कहीं है ही नहीं, फिर हम देखेंगे 50 से ठीक ऊपर क्या है, हमने देखा 50 से ठीक ऊपर है 66। देखिए आपको ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना, उससे जस्ट नेक्स्ट ऊपर जाना है, जैसे 50 से ठीक ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर क्या है 66। तो हमने क्या करा, जो ये 66 है ना इसको पूरा अंडरलाइन कर लिया, इस पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया। जब हमने 66 के जस्ट अपोजिट में देखा तो क्लास इंटरवल थी 60 से 70, तो हमारी मीडियन क्लास क्या आ गई 60 से 70, और हमारी फ्रिक्वेंसी भी दी गई है यहाँ पर 20, तो मैंने सारी चीजें लिख ली, L1 आ गया मतलब लोअर लिमिट आ गई 60, फ्रिक्वेंसी आ गई 20, सी एफ आ गई 46, बॉक्स से जस्ट ऊपर देखिए 46, आपको हमेशा सी एफ क्या है यही वाली लेनी है, ऊपर वाली बॉक्स से ऊपर वाली 46। H मतलब डिफरेंस कितना है क्लास इंटरवल के बीच में 10 का, N 100 है मतलब सिग्मा एफ क्या आया 100, हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट इनको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपोन में एफ इंटू एच। L1 क्या है जी 60, आप देख सकते हैं 60 पुट कर लिया, प्लस एन क्या है 100, 100 बटे 2 पुट कर दिया, माइनस सी एफ क्या है 46, आप देख सकते हैं 46 66 के ऊपर वो पुट कर दिया, बटे में एफ, एफ क्या है 20। देखिए जो डिब्बा बनाया ना मैंने, बॉक्स बनाया है, इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी 20 आई है ये वाली 20 पुट करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पर, गलती से आप सिग्मा एफ पुट मत कराना, क्योंकि दिमाग में मीन घुस चुका है, तो आप हो सकता है यहाँ गलती कर दो, सिग्मा एफ लिखाओ, लेकिन नहीं, आपको फ्रीक्वेंसी लिख के आनी है। और ये एच है 10, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस। अब मैंने यहाँ पर नॉर्मल कैलकुलेशन करी है, आप देख सकते हैं 60 प्लस 100 बटे 2 करा तो 50, 50 माइनस 46 बटे में 20 इंटू 10, 50 माइनस 46 करा तो आया 4, 60 प्लस 4 बटे 20 इंटू 10, 60 प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करा गया होगा 40, 60 प्लस 40 बटे 20, 40 बटे 20 को सोल्व करा तो आया 2, 60 प्लस 2 करा तो मीडियन आ गया 62। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी जरूर समझ आया होगा, कोई डाउट हो तो बेधड़क बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।